हाय बच्चे, दिस इज योर एजुकेटर शुभम पाठक एंड वेलकम टू द चैनल जहां पे हम पढ़ते हैं क्लास 9th और 10th की बायोलॉजी एंड एसएसटी। आज का सेशन है बहुत इंटरेस्टिंग क्योंकि आज हम कर रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। लेकिन आज तक ऐसा लेक्चर इस चैनल पे नहीं हुआ है, इनफैक्ट कहीं पे भी यूट्यूब पे आपको ये लेक्चर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी बैच 2023 से 24 वाले बैच के लिए रैशनलाइज हो गई है, यानी कि उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। तो ये चैप्टर इस सिलेबस के साथ पहले नहीं पढ़ाया गया है, बहुत सारी चीजें काटी गई हैं, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बिल्कुल खत्म हो गया है। सो दिस इज एग्जैक्टली लाइक योर रैशनलाइज्ड सिलेबस फॉर योर एकेडमिक बैच विच इज 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले 10वीं के बच्चे। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज तो सिलेबस से ही कट गया है, हम रिसोर्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे, रिसोर्स को कैसे डेवलप करते हैं वो पढ़ेंगे, डेवलप ना करो तो क्या होता है वो पढ़ेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा 21 समझेंगे और साथ में पढ़ेंगे रिसोर्स की प्लानिंग के बारे में, स्पेसिफिकली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। तो क्या सोचती है बच्चा पार्टी की ये चैप्टर इजी है कि डिफिकल्ट है कि क्या है? अभी तक स्कूल में हो गया होगा, यूनिट टेस्ट में आ भी रहा होगा। टेल मी क्विकली इन द लाइव चैट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस चैप्टर? डू यू लाइक इट? यस, नो? हाय, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मैम। थोड़ा जल्दी करते, कल मेरा यूनिट टेस्ट। ओहो, हमें नहीं मालूम था आपका यूनिट टेस्ट है। कल आपने साइंस पढ़ाई थी? हाँ जी, मैं बायोलॉजी और एसएसटी दोनों पढ़ाती हूँ। हाय रामानोज एंड हेलो, इजी है, इजी है, इजी है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। हाँ जी, चैप्टर इजी पीजी लेमन स्क्वीजी है, बट चैप्टर क्योंकि पहला है, जो भी पहला चैप्टर होता है ना हमारा, चाहे हिस्ट्री का पहला चैप्टर है या ज्योग्राफी का है या किसी भी सब्जेक्ट का है, वो चैप्टर बोर्ड एग्जाम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उससे सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन आने की चांसेस होते हैं। ये हमने एक ट्रेंड देखा है, क्योंकि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो पहला चैप्टर इज वेरी एसेंशियल। चलो अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन। व्हाट इज अ रिसोर्स? क्या होता है रिसोर्स? जब मैं बोलूं रिसोर्स एक इंग्लिश का शब्द है, तो जब आप इसे आउटसाइड ज्योग्राफी यूज कर रहे हो तो इसका मतलब बहुत सिंपल है, ऐसी कोई चीज जो आपके काम आ रही है, एनीथिंग दैट यू कैन यूज, यू कैन पुट टू यूज इज नोन एज रिसोर्स। ये फोन आपके बात करने के लिए काम आ रहा है, दिस इज अ रिसोर्स। किताबें आपके लिए काम आ रही हैं बोर्ड एग्जाम में अपियर करने के लिए, दे आर अ रिसोर्स। लेकिन जब हम उसे ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं तो रिसोर्स की डेफिनेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। अभी भी वही चीजें जो ह्यूमंस की नीड्स को सेटिस्फाई करें, जो चीजें और हमें एनवायरमेंट से प्राप्त हो, उन्हें रिसोर्स कहते हैं। लेकिन इस डेफिनेशन के तीन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट हो जाते हैं। तो समझ आया, रिसोर्सेज आर नथिंग बट द थिंग्स यू गेट फ्रॉम द एनवायरमेंट दैट कैन बी यूजफुल टू यू। यूजफुल टू हू? ह्यूमन बींग्स। बट दे हैव थ्री फीचर्स ऑल्सो। वो तीन फीचर्स रिसोर्सेज में होने पड़ेंगे, वरना आप उसे रिसोर्स नहीं बोल सकते। ठीक है, तो पहला फीचर है टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, यानी कि जो भी ये चीज आपको एनवायरमेंट मिल रही है, मान लो आपको एनिमल्स मिल रहे हैं, पहाड़ मिल रहे हैं, मिट्टी मिल रही है, पानी मिल रहा है, जो भी चीजें आपको एनवायरमेंट से मिल रही है और आपके किसी काम आ रही है, फॉर इंस्टेंस पानी ले लेते हैं, उसको एक्सेस करने के लिए यानी उस तक पहुंचने के लिए आपके पास टेक्नोलॉजी है कि नहीं है? यार 16वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में किसी को सेल के बारे में मालूम नहीं था, बायोलॉजी में सेल डिस्कवर नहीं हुआ था, सेल जाके डिस्कवर हुआ 17वीं सेंचुरी में, राइट? सो 17वीं शताब्दी तक हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं थी कि हम बायोलॉजी के लेवल पे सेल को डिस्कवर कर पाए। सो सिमिलरली ऐसा ही कुछ इमेजिन करो कि एनवायरमेंट में जो चीजें हैं आपके काम आ सकती हैं और आपके पास उनको यूज करने की टेक्नोलॉजी है, तो वो रिसोर्स की कैटेगरी में आएंगी। सेकेंड फीचर है बच्चा कल्चरली एक्सेप्टेबल। कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब होता है कि आपका जो ह्यूमन कल्चर है, यानी कि ये जो मैनकाइंड है, ह्यूमन काइंड है, इंसानियत है, इस कल्चर में वो रिसोर्स फिट होना चाहिए। अब मैं बोलूं न्यूक्लियर बॉम्ब भी तो रिसोर्स है, न्यूक्लियर बॉम्ब रिसोर्स नहीं है, उससे लोगों की जाने जाती हैं, वो हमारे काम नहीं आता है बल्कि ह्यूमन बींग्स के अगेंस्ट वर्क करता है। ऑन द अदर हैंड जल हो गया, वायु हो गया, ये सारी चीजें हमारे काम आती हैं, मिट्टी हमारे काम आती है, हम उसमें खाना उगाते हैं, राइट? सो कल्चर को भी सपोर्ट करना चाहिए, ह्यूमन बींग्स के कल्चर को। हमारे पास
टेक्नोलॉजी होनी चाहिए उस रिसोर्स तक पहुंचने की, और तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर है कि इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, यानी कि हम जो काम उस रिसोर्स से निकालने की कोशिश कर रहे हैं उस काम तक पहुंचने के लिए जितना पैसा लग रहा है वो वर्थ इट होना चाहिए। अब इसका एक एग्जांपल देती हूँ, मोती होते हैं, मोती, मोतियों की माला देखी होगी, मोतियों की बहुत सारी ज्वेलरी देखी होगी आपने, सीपी, मोती, आपने ये सब सुना है राइट, देखा भी होगा। अब समंदर में बहुत सारे मोती हैं, लेकिन जो बड़े बड़े महासागर हैं उनका जो सी बेड है वहां पे गोता लगा के अगर हम वो मोती निकालेंगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा और वहां तक जाने में जान का जोखिम भी है। बहुत गहरे गहरे महासागर है हमारे पास, जैसे कि पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, वहां तक पहुंचना, डीप सी में पहुंचना मोती की खोज में बिल्कुल भी जो है वर्थ इट नहीं है। तो हम उनको रिसोर्सेज नहीं काउंट करते, क्यों? क्योंकि जितनी उस मोती की कीमत है उससे वहां तक पहुंचने में जो खतरा है वो उस हिसाब का वर्थ इट नहीं है। सो आप मेरा मतलब समझ रहे हो कि रिसोर्स को हम रिसोर्स तभी बोलते हैं जब वो ह्यूमन बीइंग्स के काम आता है, हमें एनवायरनमेंट से प्राप्त होता है, टेक्नोलॉजी है हमारे पास उस तक पहुंचने की, हमारे कल्चर को सपोर्ट करता है ना कि उसके अगेंस्ट जाता है, और हम जो उसमें पैसा लगाते हैं टेक्नोलॉजी में या उस तक पहुंचने में वो वर्थ इट होता है उस रिसोर्स के कॉन्टेक्स्ट में। ओनली देन यू कैन कॉल इट अ रिसोर्स, अदरवाइज यू कांट कॉल इट अ रिसोर्स। एक्सेप्शंस आपको बुक में मिल जाएंगे, लेकिन एक्सेप्शंस पे नहीं जाना है, हमें डेफिनेशन पे जाना है। नाउ ये जो प्रोसेस होता है, ये जो एनवायरनमेंट में चीजें हमें मिल रही हैं, हम उन्हें अपने प्रयोग में ला रहे हैं, हम उन्हें इस्तेमाल में ला रहे हैं, लेकिन हम कैसे ला रहे हैं? ह्यूमन बींग्स प्रयोग में लाते हैं, मिट्टी है, मिट्टी पे खेती कौन करता है? ह्यूमन बींग्स करता है, तभी हमारे घर में अनाज आता है। लेकिन उस खेती के लिए भी हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजी लगाई, हमने टूल्स बनाए, हमने ग्रीन रेवोल्यूशन किया, हमने पेस्टिसाइड्स बनाए, केमिकल्स बनाए, और ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी हमने कहाँ पे लगाई? इंस्टीट्यूट्स बनाए, हमने फैक्ट्रीज बनाई, हमने रिसर्च सेंटर्स बनाए जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी के बारे में रिसर्च करते हैं, फिर नई नई टेक्नोलॉजी बनाते हैं, और फिर उस नई नई टेक्नोलॉजी से हम एनवायरमेंट से दिए गए सामान को और अपने काम में प्रयोग में लाते हैं राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ह्यूमन बीइंग्स ही टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, ह्यूमन बीइंग्स ही इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं, और ह्यूमन बीइंग्स ही एनवायरमेंट से लाए हुए सामान को अपने प्रयोग में लाने लायक बना रहे हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स इस पूरे प्रोसेस के सेंटर में आपको देखने को मिलेंगे एनसीईआरटी में। फिजिकल एनवायरमेंट यानी कि नेचर से वो सामान लेते हैं, एक सेकेंड, नेचर से वो सामान लेते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं वो अपने इंस्टीट्यूशंस के अंदर, चाहे वो फैक्ट्रीज हो गई, रिसर्च सेंटर हो गया, या फार्म्स क्यों नहीं हो गए, और उसमें टेक्नोलॉजी भी लगाते हैं जब भी टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, और फिर कोई नेचर से लाई हुई चीज रिसोर्स में कन्वर्ट हो पाती है। सो ह्यूमन बीइंग्स रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, यानी कि रिसोर्सेज मुफ्त में नहीं मिलते एनवायरमेंट में, रिसोर्सेज को अपने काम में लाने के लिए ह्यूमन बीइंग्स को मेहनत करनी पड़ती है। दे ह्यूमन बीइंग्स आर अ वेरी एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ द रिसोर्सेज, क्योंकि वो ही ट्रांसफॉर्म करते हैं मटेरियल को टू मेक इट अ रिसोर्स। ठीक है बच्चा, ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट करते हैं टेक्नोलॉजी के साथ भी, इंस्टीट्यूशंस के साथ भी, और नेचर के साथ भी, और ये सब कुछ करके वो ग्रोथ लाते हैं अपने देश के लिए, धरती के लिए, पूरे ह्यूमन काइंड के लिए। ठीक है, छोटू सा एग्जांपल, आपके पास लैंड है, लैंड कहाँ है? लैंड धरती पे है, धरती नेचर का पार्ट है, नेचर ने हमें लैंड प्रोवाइड किया है, लेकिन उस लैंड में खाद डालनी है, फर्टिलाइजर डालना है, मशीन्स लगानी है, ट्रैक्टर चलवाना है, बीज डालने हैं, ये सारी की सारी चीजें हमने इंस्टीट्यूट में डेवलप की, हमने टूल्स बनाए, ट्रैक्टर बनाया राइट, फैक्ट्रीज में, रिसर्च सेंटर्स में, फिर उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमने उस लैंड को ट्रांसफॉर्म किया खेती के लायक। सो ये एक छोटू सा एग्जांपल है, बट ऑल द रिसोर्सेज दैट यू सी अराउंड यू हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय द ह्यूमन बीइंग्स, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स, बहुत ऐसी चीजें हैं जो एनवायरनमेंट में अभी भी पड़ी हुई हैं, लेकिन हमें उनको इस्तेमाल करने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो अभी तक दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये भी आप मान के चलिए कि अभी और अलग अलग रिसोर्सेज हो सकता है कि आगे आने वाले दशकों में आपको देखने को मिले। सो रिसोर्स की डेफिनेशन में एनी कंफ्यूजन यू आस्क मी, If you're watching this lecture later on, don't forget to ask me in the comment section. I will reply to you. Sooner or later, but I will reply to you, promise. आया समझ बच्चा?
चमका, श्रीनिधि, दे आर नॉट इन आर सिलेबस। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर नॉट इन आर सिलेबस। तो जो बच्चे स्टॉक रिसोर्सेज पे सवाल पूछ रहे हैं या ओनरशिप पे सवाल पूछ रहे हैं, दे आर नॉट इन आर सिलेबस। बच्चा अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है, देखो रैशनलाइज हुई है एनसीईआरटी आपके बैच के लिए 2023 से 24 वाले बैच के लिए, अगर आप पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो तो आप में उसको आपको चैप्टर कुछ अलग दिखेगा। नई एनसीईआरटी में चैप्टर कुछ अलग है, नई एनसीईआरटी खरीद लो बच्चा, क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगी आपको कि ये वाला पार्ट पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। चलिए डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस की बात करते हैं। अच्छा मैं एक और बात बता दूं कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इतना समझ आ गया कि रिसोर्सेज बहुत जरूरी है। भाई रिसोर्सेज नहीं होंगे तो ह्यूमन बीइंग्स की सर्वाइवल ही नहीं हो पाएगी। हमें मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, ये तो मैं बहुत छोटी छोटी बोल चीजें बोल रही हूँ। मिनरल चाहिए हमें, हमें मेटल चाहिए, नॉन मेटल चाहिए, हमें सारी चीजें चाहिए। ये सारी चीजें हमारी लाइफ को मेंटेन करती हैं और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी बरकरार रखती है। हमारे तो टूथपेस्ट में भी नमक होता है, वो नमक कहाँ से आता है? वो एनवायरमेंट में से आता है। इट इज ऑल्सो अ रिसोर्स, राइट? सो वी नीड रिसोर्सेज टू मेंटेन आर लाइफ। ऐसा माना जाता था ह्यूमन बींग सदियों से, आज भी ह्यूमन बींग्स ऐसा ही सोचते हैं कि रिसोर्सेज ना मुफ्त में मिल रहे हैं, एनवायरमेंट से मिल रहा है, नेचर से मिल रहा है, तो मुफ्त में ले लो, एक्सप्लॉइट कर लो। स्कूटी धोनी है, एक बाल्टी पानी में स्कूटी धुल जाएगी? नहीं, हम 6 बाल्टी पानी में स्कूटी धोएंगे, और कार तो हम रोज धोएंगे, और मोटर चला चला के बहुत सारा ग्राउंड वाटर वेस्ट करेंगे, और हमारी कार चमकनी चाहिए, ग्राउंड वाटर बेशक खत्म हो जाए, राइट? सो हम ह्यूमन बींग्स की टेंडेंसी होती है कि हम रिसोर्सेज को फ्री समझते हैं, नेचर का फ्री गिफ्ट समझते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। और ह्यूमन बींग्स की इसी आदत की वजह से कि हम मुफ्त का सामान समझते हैं रिसोर्सेस को, इसी की वजह से दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं। फॉर एग्जांपल, रिसोर्सेस का डिप्लीशन होना शुरू हो गया। आप कितने सारे एनिमल्स देखते हो जो पहले दुनिया में बहुत ज्यादा मात्रा में दिखाए जाते थे, आजकल टाइगर्स, लायंस और बहुत सारी एंडेंजर्ड स्पीसीज जो है उनकी पॉपुलेशन कम हो गई है। वो एनिमल भी तो रिसोर्सेज है बच्चा, हमारे लिविंग रिसोर्सेज है, बायोटिक रिसोर्सेज है, राइट? सो रिसोर्सेज को हमने डिप्लीट किया है, चाहे वो वाटर रिसोर्स हो, चाहे वो एनिमल एज अ रिसोर्स हो, चाहे वो मिनरल एज अ रिसोर्स हो, रिसोर्सेज की कमी आने लग गई है। और अब रिसोर्सेज की इतनी कमी हो गई है कि जो अमीर लोग हैं, जो ग्रीडी लोग हैं, जिनके पास पैसा है, पावर है, वो लोग बचे कुछ रिसोर्सेज पे अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करते हैं, यानी कि डोमिनेशन करने की कोशिश करते हैं कि ये जो थोड़ा सा रिसोर्स बच रहा है ये मैं ही रख लूं। फॉर एग्जाम्पल लैंड ले लो आप, लैंड आप देख रहे हो कि ह्यूमन पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इंडिया का ही एग्जाम्पल ले लो तो इंडिया दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड कंट्री बन गया है। अब इंडिया के पास जो लैंड है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, उतना ही तो रहेगा लैंड, तो उतना ही रहेगा। तो अब उस लैंड पे कितनी मारा मारी है, आप देखते हो लैंड के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। मिडिल क्लास जनता अफोर्ड ही नहीं कर सकती, गरीब जनता तो सोच भी नहीं सकती, सिर्फ अमीर जनता जो है लैंड खरीद पा रही है। अंबानी, टाटा एंड बिरला बहुत सारा लैंड खरीद पा रहे हैं, अदरवाइज लैंड खरीदना एक सपना हो गया है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास एंड पुअर पॉपुलेशन के लिए। दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर लैंड हमारे पास बहुत सारा होता तो क्या पता लैंड के प्राइसेस सस्ते होते, क्योंकि लैंड अभी इतना कम बचा है इंडिया के पास कि हम लैंड हमारी रीच से बाहर हो गया है और वो सिर्फ अमीरों के हाथ में देखने को मिलता है। तो रिसोर्सेज जो पहले तो रिसोर्सेज डिप्लीट हो गए हैं और जो बचे कुछ रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज सिर्फ अमीर लोग कंट्रोल कर पाते हैं और गरीब लोग नहीं कर पाते। इससे सोसाइटी जो है हैव्स और हैव नॉट्स में बच जाती है, यानी कि सोसाइटी अमीर और गरीब में बट जाती है। भाई जो रिसोर्स खरीदने की ताकत रखते हैं वो अमीर लोग हो जाते हैं, जो नहीं रखते हैं वो गरीब हो जाते हैं। तो सोसाइटी इज, ये जो रिच और पुअर के बीच का जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बिकॉज ह्यूमन बींग्स हैव बीन एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेज फॉर सेंचुरीज नाउ। तीसरा पॉइंट, हमारे रिसोर्सेज को मुफ्त का सामान समझने की वजह से इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन होने लग गया। इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है बिना सोचे समझे जब आप रिसोर्सेज को यूज करते हो, ये बिना सोचे समझे कि इसका रिजल्ट क्या होगा, तो उसे इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। हमने रिसोर्सेज को, कई सारे रिसोर्सेज को तो इतना ज्यादा यूटिलाइज कर लिया है बिना सोचे समझे कि दुनिया में इकोलॉजिकल क्राइसिस हो गई है। इकोलॉजिकल क्राइसिस का मतलब एनवायरमेंट से रिलेटेड, इकोलॉजी से रिलेटेड क्राइसिस हो गई है। जैसे कि ओजोन लेयर के ऊपर छेद है अंटार्कटिका में, है ना? वी नो ओजोन लेयर हैज अ होल,
अंटार्कटिका में, इसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग होती है, जो टेम्परेचर राइज होता है पूरी अर्थ का, वो सिर्फ अंटार्कटिका को इफेक्ट करता है कि वो पूरी दुनिया को करता है? भाई पूरी अर्थ का टेम्परेचर राइज होगा तो वो पूरी अर्थ को करेगा ना इम्पैक्ट। तो ये जो इंडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन है, इससे इकोलॉजिकल क्राइसिस आती हैं, और वो नेशनल बाउंड्रीज या इंटरनेशनल बाउंड्रीज नहीं देखती हैं, वो पूरी अर्थ को तबाह करने में लग जाती हैं। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर, सुनामी, ऑल ऑफ दिस हैज बीन बिकॉज ऑफ आर थिंकिंग दैट रिसोर्सेज आर मुफ्त के। ठीक है, तो ये आया समझ? इसी की वजह से आप देखो, प्रॉब्लम्स तो हमने डिस्कस कर ली कि रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट समझे जाते हैं लेकिन होते नहीं है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि बच्चा, आज भी अगर हम आंखें खोल लें अपनी, एज ह्यूमन बींग्स अगर आज भी हम अपनी आंखें खोल लें और रिसोर्सेज के इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन पे अपना टाइम और मेहनत इन्वेस्ट करनी शुरू कर दें, तो धरती को बचाया जा सकता है। इक्विटेबल का मतलब क्या होता है बच्चा? देखो, एक शब्द होता है इक्वल और एक शब्द होता है इक्विटी। इक्वल का मतलब होता है सबको समान चीजें देना। जैसे मान लो 2 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है और 20 साल का बच्चा है। तीन बच्चे हैं हमारे पास, 20 साल का बच्चा नहीं हुआ, अडल्ट हो गया, लेकिन हमारे पास 3 लोग हैं, 2 साल के, 10 साल के, 20 साल के। अगर मैं सबको एक एक रोटी दे रही हूं तो दिस इज इक्वालिटी। लेकिन 2 साल का बच्चा शायद एक रोटी में भी थोड़ा सा छोड़ देगा कि पेट भर गया। 10 साल का बच्चा एक रोटी में बोलेगा नहीं, मैं तो एक और खाऊंगा, है ना। 20 साल का इंसान तो बोलेगा कि एक रोटी, मुझे तो 4 और चाहिए, राइट। सो इक्वालिटी में 2 साल के, 10 साल के और 20 साल के इंसान का काम नहीं चल पा रहा है। इक्विटी ऑन दी अदर हैंड इज अ कॉन्सेप्ट जो बोलता है जिसे जितना चाहिए उसे उतना मिलना चाहिए। 2 साल के बच्चे को एक रोटी चल जाएगी, 10 साल के बच्चे को आप 2-3 रोटी दे दो और 20 साल के इंसान को आप 4-5 रोटी दे दो ताकि पेट भरे उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। उसी तरीके से अगर हम रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करें फैमिली साइज के अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन साइज के अकॉर्डिंग, है ना, नीड्स के अकॉर्डिंग, अगर हम लोगों को में रिसोर्सेज अलॉट करें तो अमीरी और गरीबी का भेदभाव नहीं रहेगा और रिसोर्सेज जिसको जितने चाहिए उतने मिलेंगे, ना कि रिसोर्सेज का एक्यूमुलेशन होगा कुछ लोगों के हाथ में, राइट। सोल्यूशन है, इफ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन बाय अ फ्यू इंडिविजुअल्स एंड कंट्रीज कंटिन्यूज, द फ्यूचर ऑफ आर प्लैनेट इज इन डेंजर। ऑन द अदर हैंड, अगर ये चलता रहा जैसा चलता आ रहा है सदियों से, अगर वही चलता रहा कि अमीर लोग रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, एसी चला रहे हैं, टीवी चला रहे हैं और सब कुछ, सारे रिसोर्सेज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और गरीबों को सोना पड़ रहा है सड़कों पे और उनको लग रही है गर्मी और उनके पास नहीं है एसी अफोर्ड करने के लिए पैसे। आप देख रहे हो क्या होता है, अमीर लोग सामान एक्सप्लॉइट करते हैं और गरीबों पे उसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि पुअर पीपल डोंट एक्सप्लॉइट रिसोर्सेज, मैं ये बोल रही हूं कि रिच पीपल एक्सप्लॉइट रिसोर्सेज द मोस्ट एंड द इंपैक्ट इज शोन ओवर द एंटायर वर्ल्ड, राइट। देयरफॉर रिसोर्स की प्लानिंग करनी जरूरी है, जो बचे के जो रिसोर्सेज है हमारे पास उन्हें प्लान करके जुडिशियस तरीके से यूज करना जरूरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने की जरूरत है ताकि सबको रिसोर्सेज मिले, ना कि कुछ लोगों को रिसोर्सेज मिले। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? इक्विटी तो मैंने सिखा दिया, रिसोर्स प्लानिंग आपको शब्द से ही समझ आ रहा है कि रिसोर्स की प्लानिंग करके चलनी चाहिए, बट ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड जो है इसका मतलब क्या है बच्चा? एनी गेसेस? मैं बताती हूँ, सस्टेन करने का मतलब होता है सर्वाइवल। सस्टेन करने का क्या मतलब होता है? सर्वाइवल। तो सस्टेनेबल का मतलब क्या है? समथिंग विच इज गुड फॉर द सर्वाइवल। लिख दूं यहां पे, समथिंग विच इज गुड फॉर द सर्वाइवल। तो ऐसी डेवलपमेंट जो आज की जनरेशन का ख्याल रख रही है, उनकी जरूरतों को नजरअंदाज नहीं कर रही है, लेकिन एनवायरमेंट को भी डैमेज नहीं कर रही है, एक्सप्लॉइट नहीं कर रही है रिसोर्सेस को, काम में ला रही है। स्कूटी को धोना है तो 2 मग पानी में भी धुल जाएगी गीला कपड़ा करके, 4-5 बाल्टी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है पानी की, राइट। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, I'm just giving you an example. It is not about scooty. It is not about scooty dhona. But sustainable development talks about a type of development which takes care of the needs of the present generation. But environment के साथ भी कोई गड़बड़ नहीं होती है और future की generation की ज़रूरतों का भी ख्याल रखा जाता है। आप resources को इस तरीके से use करते हो कि आगे आने वाले generations के लिए भी वो resources बचें, ऐसा ना हो कि उनके लिए resources खत्म हो जाएं और उन्हें अभाव में रहना पड़े। This is what is sustainable development. और अगर sustainable development करनी है तो planning तो करनी पड़ेगी। Words में पूरे number लाने हैं तो planning तो करनी पड़ेगी। Sustainable development के लिए भी planning करनी पड़ती है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें सबसे पहली बार 1992 में हुई थी। 1992 का मतलब 1992। सो के जागे थे हमारी दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स। रियो डी जनेरियो नाम की एक बहुत सुंदर सी शहर है
सुंदर सी जगह है ब्राजील में, शहर ही है ब्राजील में, वहां पे ये समिट, समिट का मतलब मीटिंग, ये मीटिंग करवाई गई थी। मैंने जो आपको यहाँ पे फोटो दिखाई है वो असली फोटो है उस मीटिंग की। तो ये मीटिंग हुई थी रियो डी जेनेरियो में 1992 में। सब कुछ इंपॉर्टेंट है बच्चा। इसे अर्थ समिट क्यों बोला जाता है? क्योंकि पहली बार अर्थ के बारे में बात की जा रही थी, अर्थ के लोगों के नहीं, अर्थ की हालत के बारे में बात की जा रही थी। यहाँ पे 100 से ऊपर कंट्रीज के हेड मौजूद थे और उन सारे 100 से ऊपर कंट्रीज के हेड ने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था, और मीटिंग में जो भी एक्शंस लिए जाने को कहा था उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेशन दिखाया था। समिट ने पहली बार एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया था, चाहे वो सोसाइटी से रिलेटेड हो, चाहे वो इकोनॉमी से रिलेटेड हो, चाहे वो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड हो। ग्लोबल लेवल पे, कंट्री लेवल पे नहीं, ग्लोबल लेवल पे एनवायरनमेंट का जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसके बारे में पहली बार बात की गई थी दुनिया में इतने बड़े स्केल पे। और इन सारे के सारे जो भी वर्ल्ड लीडर्स आए थे, मतलब जो भी देश के हेड वहां पे मौजूद थे, उन्होंने एक डेक्लेरेशन साइन किया था। डेक्लेरेशन का मतलब एक डॉक्यूमेंट साइन किया था, प्रण, बेसिकली प्रण लिया हुआ डॉक्यूमेंट, ओथ वाला डॉक्यूमेंट साइन किया था कि वो ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज के बारे में कुछ करेंगे। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो घटती जा रही है, जो एनिमल्स का नंबर, प्लांट्स का नंबर घटता जा रहा है, उसके बारे में कुछ करेंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पहली बार इसी समिट में, इसी मीटिंग में सामने आया था। और इन सारे लोगों ने जो डेक्लेरेशन साइन किया था बच्चा, उसे बोला जाता है एजेंडा 21। देखो बहुत सिंपल सी बात है, जब इतने बड़े स्केल पे मीटिंग होती है ना, आप न्यूज़ देखते हो, हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट भी बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स में जाते रहते हैं। जब भी ऐसी मीटिंग होती है, बड़ी बड़ी स्पीचेस दी जाती हैं, डॉक्यूमेंट साइन किए जाते हैं, क्योंकि फिर याद कैसे रहेगा ना कि मीटिंग में क्या बातें हुई थी। डॉक्यूमेंट साइन करना बहुत जरूरी होता है। तो इस मीटिंग में जो डॉक्यूमेंट साइन हुआ था उसे एजेंडा 21 बोलते हैं। नॉन बाइंडिंग था, ऐसा नहीं है कि जो एजेंडा 21 को जिन कंट्रीज ने साइन किया था उन्हें वो करना ही करना था, और नहीं करोगे तो यूनाइटेड नेशंस आपको डांट लगाएगा, ऐसा नहीं था, नॉन बाइंडिंग था। लेकिन फिर भी अपने अपनी वॉलंटेरिली, अपने हिसाब से कंट्रीज ने बोला था कि हमें करके दिखाएंगे। और इसका नाम एजेंडा 21 क्यों है बच्चा? क्योंकि इसमें 21 इशू पे बात की गई थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसमें से एक इशू था, लेकिन ये जो डिक्लेरेशन साइन हुआ था, डॉक्यूमेंट साइन हुआ था, इसमें और भी चीजें थी, जैसे कि पावर्टी, जैसे कि हंगर, जैसे कि बीमारियां, बच्चों को होने वाली बीमारियां, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन कायदे की बात यह है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी इसका एक पार्ट था। तो ये जो अर्थ समिट है जो रियो डी जनेरियो ब्राजील में हुई थी जून 1992 में, ये कंडक्ट कराई थी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट ने, और इसमें साइन हुआ था डिक्लेरेशन जिसे बोला जाता है एजेंडा 21। तो एजेंडा 21, कुछ देशों ने एजेंडा 21 को अच्छे से फुलफिल किया, कुछ देशों ने नहीं किया, बट द पॉइंट इज दैट एटलीस्ट द वर्ल्ड talked about the earth and talked about sustainable development on such a huge scale for the first time. उसके बाद से कई सारी मीटिंग हुई हैं, लेकिन ये पहली मीटिंग थी, ठीक है? तो सस्टेनेबल डेवलप, अभी तक हमें क्या समझ आया? हमें समझ आया कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, हमारे लिए बहुत काम की चीज होती है, ह्यूमन बींग्स उसे ट्रांसफॉर्म करते हैं एनवायरमेंट से उठा के हमारे काम में लाने लायक। टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, इंस्टीट्यूशंस चाहिए होते हैं। रिसोर्सेज को ढंग से यूज नहीं करोगे, फ्री गिफ्ट समझ के यूज करोगे तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी। रिसोर्स की प्लानिंग करनी चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने समझ लिया, अब हम रिसोर्स प्लानिंग को समझेंगे। अभी तक कोई कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? नो? हाँ जी नीरू, क्लास 9th के लेक्चर भी जल्दी जल्दी आएंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन आपका ऑलरेडी हो चुका है। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज नहीं है सिलेबस में ज्योति, दे आर नॉट इन द सिलेबस। आई हैव अ डाउट, बताओ क्या डाउट है बच्चा, टेल मी योर डाउट। इज पेट्रोल अ रिसोर्स? ऑफ कोर्स बच्चा, इट्स अ रिसोर्स। नो, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर नॉट इन आवर सिलेबस। आप एनसीईआरटी डाउनलोड करके देखो,
दे आर नॉट इन द सिलेबस. वो पिछले साल भी नहीं थे हमारे सिलेबस में, बोर्ड एग्जाम में नहीं आए थे. हो सकता है कि आपके स्कूल में पढ़ाया हो, क्योंकि उन्होंने रैशनलाइज सिलेबस अभी तक ना देखा हो. कुछ एक आधे स्कूल में पढ़ा दिया होगा, पर वो बोर्ड एग्जाम में उसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे. ठीक है, अगर आप टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़ना चाहते हो तो मेरा पुराना वाला रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का लेक्चर देख लो, इसी चैनल पे मौजूद है. उसमें आपको टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज मिल जाएंगे. बट अगेन, अगर आपके स्कूल में पढ़ाया है तो यूनिट टेस्ट में हो सकता है टीचर्स क्वेश्चन दे दें, लेकिन बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा. हमारा जो रैशनलाइज सिलेबस है, रैशनलाइज एनसीईआरटी है, लेटेस्ट एनसीईआरटी, उसके अंदर ही नहीं है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, चैप्टर में ही नहीं है. ठीक है, चलो रिसोर्स प्लानिंग की बात करते हैं. पहली बात, रिसोर्स प्लानिंग होती क्या है और क्या इंडिया को रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत है? हाँ जी, सारे देशों को रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत है. प्लानिंग करने से रिजल्ट्स अच्छे आते हैं. बोर्ड एग्जाम की प्लानिंग करके चलोगे, बोर्ड एग्जाम में रिजल्ट अच्छे आएंगे. रिसोर्सेज की प्लानिंग करके चलोगे तो रिसोर्सेज भी अच्छे से यूज कर पाओगे. जुडिशियस मतलब सोच समझ के यूज कर पाओगे, राइट? एक तो इंडिया के पास बतेरे रिसोर्सेज है. हमारे पास अलग अलग तरीके का लैंड है, अलग अलग तरीके का क्लाइमेट है, माउंटेन्स है, डेजर्ट्स है, फॉरेस्ट है, कितना कुछ है हमारे पास, मिनरल्स है, सब कुछ है. लेकिन जो एक प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, वो ये है कि पांचों उंगलियां हमारे बराबर नहीं है. यानी कि इंडिया में कई स्टेट्स हैं जहां पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, कई स्टेट्स हैं जहां पे वो रिसोर्सेज नहीं है, एंड वाइस वर्सा. एग्जांपल से अच्छा समझ आएगा. जैसे ये झारखंड और छत्तीसगढ़, ये जो आपने फिजिकल फीचर्स पढ़ा ना क्लास नाइन्थ में, ये जो डेक्कन प्लेट्यू वाला जो एरिया है, सेंट्रल हाईलैंड, डेक्कन प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, ये वाला जो एरिया है जो छत्तीसगढ़ झारखंड साइड पड़ता है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है. अच्छे अच्छे मॉल्स, अच्छे अच्छे स्कूल्स और कॉलेजेस और ब्रिजेस, ये सब नहीं है. लेकिन यहाँ पे मिनरल्स कितने सारे हैं, कोल, आयरन, कितना सारा है यहाँ पे, है ना, मैग्नीशियम, कॉपर. So, ये लोग मिनरल्स में रिच हैं, ये स्टेट्स मिनरल्स में रिच हैं. ऑन दी अदर हैंड, अरुणाचल प्रदेश हमारे नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है. पता है ब्रह्मपुत्र इंटर करती है हमारे देश में अरुणाचल प्रदेश से, तो पानी ही पानी है यहाँ पे, पानी की कभी कमी नहीं होती. लेकिन अगेन, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि इतने सारे जंगल हैं अरुणाचल प्रदेश में कि सरकार उन जंगलों को काट के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करना चाहती. बच्चा, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है जो ये आप अपने आसपास बिल्डिंग्स देखते हो, ये जो डेवलपमेंट देखते हो, दिस इज नोन एज इंफ्रास्ट्रक्चर. राजस्थान की बात करते हैं. राजस्थान के पास बहुत विंड एनर्जी है, बहुत हवा चलती है वहां पे, रेती रेत उड़ती रहती है. उस हवा से चाहे तो हम एनर्जी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. इनफैक्ट वहां पे धूप भी बहुत पड़ती है तो सोलर एनर्जी भी बहुत है. लेकिन वहां पे पानी है, वैसे तो पानी है, लेकिन राजस्थान के कई सारे पार्ट्स हैं जहां पे पानी की बहुत कमी है. चार चार किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, घड़े में पानी लेके आना पड़ता है घर की औरतों को, राइट? सो पानी की थोड़ी सी अवेलेबिलिटी कम है. लद्दाख की बात करो, ये क्या है हमारा प्यारा सा यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, राइट? लद्दाख बहुत ही आइसोलेटेड है देश से, बहुत ही दूर पड़ता है नॉर्थ इंडिया में, लेकिन वहां का कल्चर बड़ा प्यारा है. लेकिन वहां पे पानी की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, मिनरल्स की कमी है. तो व्हाट दीज एग्जांपल्स आर ट्राइंग टू टेल यू इज दैट इंडिया हैज अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज एज अ होल, लेकिन पांचों उंगलियां बराबर नहीं है. यानी कि स्टेट्स में कमियां हैं, कुछ स्टेट्स में कोई रिसोर्स कम है, कोई स्टेट में कोई रिसोर्स कम है. तो अगर हम रिसोर्स की प्लानिंग करके चलेंगे तो रीजनल लेवल पे भी अच्छा डेवलपमेंट होगा, लोकल लेवल पे भी अच्छा डेवलपमेंट होगा, स्टेट लेवल पे भी अच्छा होगा, और इवेंचुअली नेशनल लेवल पे भी अच्छा डेवलपमेंट होगा. तो ये जो रीजनल डिस्पैरिटीज हैं, यानी कि एक स्टेट दूसरी स्टेट से जो ज्यादा डेवलप निकल जाती है, कई स्टेट्स हैं हमारे यहां जो बहुत डेवलप हैं, कई स्टेट्स हैं जो पिछड़ी हैं, राइट? तो ये जो स्टेट्स के बीच में जो इकोनॉमिक ग्रोथ की कमियां हैं, ये कमियां भी भर जाएंगी अगर हम रिसोर्सेज को प्लान करके पर्पसफुली इस्तेमाल करें. तो ये प्लानिंग होगी कैसे, कैसे करें ये प्लानिंग? बड़ा सिंपल है. इस प्लानिंग के तीन स्टेप है. कोई पूछे इंडिया के रिसोर्सेज को कैसे करें जुडिशली प्लान ताकि इंडिया बहुत बेहतर तरीके से बड़े रीजनल डिस्पैरिटीज कब हो, बोल देना तीन स्टेप है, तीन स्टेप में ये काम हो जाएगा. इन तीन स्टेप को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. बोर्ड एग्जाम्स हैं आपके, क्लास टेंथ में पढ़ रहे हो आप. बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपके पास बहुत सारा सिलेबस है. आपके पेरेंट्स ने आपको बोला है कि आपको 100 में से 100 नंबर लाना है, या चलो मान लो आपका टारगेट है कि आपको 100 में से 100 नंबर लाने हैं. सबसे पहले तो क्या करोगे, ये जो सीबीएसई हर साल सिलेबस ऑल्टर करती रहती है, सबसे पहले लेटेस्ट सिलेबस निकालोगे. जैसे मैं आपको लेटेस्ट सिलेबस से पढ़ा रही हूं, पहले तो इकट्ठा करोगे कि भाई लेटेस्ट किताब कौन सी है, लेटेस्ट सिलेबस कौन सा है. तब जाके आप क्या करोगे, उस सिलेबस को पढ़ना शुरू करोगे. फिर एक प्लान बनाओगे बढ़िया सा कि यार इस दिन में ये चैप्टर पढ़ूंगा, इस दिन में ये चैप्टर पढ़ूंगा, या इस महीने में इतने चैप्टर्स कंप्लीट कर लूंगा, इस महीने में मैप्स लगा लूंगा, डायग्राम्स लगा लूंगा, राइट? यू विल मेक अ टाइम टेबल, देन यू विल ट्राई टू ट्वीक द टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू योर गोल. मतलब कुछ चीजें पीछे छूट गई या कुछ चीजें नहीं हुई, तो आपका मेन गोल क्या है, बोर्ड एग्जाम में 100 में से 100 मार्क्स लाना,
तो उस मेन गोल के अकॉर्डिंग आप अपने टाइम टेबल को मॉडिफाई भी करोगे, यही सिंपल स्ट्रैटेजी लगाओगे आखिर बोर्ड एग्जाम के लिए। सब बच्चे यही लगाते हैं, सारे टॉपर यही करते हैं। अब सेम लॉजिक आप रिसोर्स की प्लानिंग में लगा के देखो। अगर आपको देश के रिसोर्सेज की प्लानिंग करनी है तो सबसे पहले तो आपको पता होने चाहिए ना कि देश में कौन से रिसोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, कितनी मात्रा में है। तो आप क्या करोगे, आइडेंटिफिकेशन करोगे। स्टेप वन ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इज टू आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज इन क्वांटिटी एंड इन क्वालिटी एंड मेक अ लिस्ट, एंड मेक अ लिस्ट, इन्वेंटोरी का मतलब लिस्ट, डेटा तैयार करोगे। अब क्वालिटी और क्वांटिटी आपको दोनों पता होनी चाहिए कि भाई यहाँ पे आयरन मिल रहा है तो किस क्वालिटी का, अच्छा है कि बुरा है, गंदा है, कैसा है, एक्सपोर्ट करें कि हम अपने देश में रखें, ये सब भी पता होना चाहिए। तो आप सर्वे करोगे, मैपिंग करोगे, बहुत सारी एनालिसिस करोगे, बहुत सारे तिगड़म लगाओगे और पता करोगे कि कितने रिसोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ हैं, किस किस क्वालिटी में है, किस किस क्वांटिटी में। अब आपको पता चल गया, सिलेबस पता चल गया है, अब क्या करोगे, टाइम टेबल बनाओगे। तो स्टेप टू ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इज मेकिंग अ प्लान, अ स्ट्रक्चर्ड प्लान। पता होना चाहिए ना कि टाइम टेबल बनाने के लिए भी आपको पता होना चाहिए ना कि आपके यूनिट टेस्ट कब है, हाफ ईयरली कब है, या आपके पास कौन सी किताब है, कौन सी किताब नहीं है। और देश के रिसोर्सेज के लिए प्लान बना रहे हो तब भी तो पता होना चाहिए कि आपके पास कौन से रिसर्च सेंटर्स हैं, कौन सी फैक्ट्रीज हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी है, किस किस तरीके के साइंटिस्ट हैं, ये सब पता होना चाहिए। क्या स्किल है, क्या टेक्नोलॉजी है आपके पास, है भी कि नहीं, कि बाहर के देश से उधार मांगनी पड़ेगी, right? So the second step is making a structured plan depending upon the skill the country has, the technology the nation has, and the institutional setup that India has. ये सब करके आपने second step complete कर लिया, time table बन गया। अब हमारा जो main goal है, main goal क्या है कि देश की उन्नति हो, India आगे बढ़े, सब लोग यही चाहते हैं, हर भारतवासी यही चाहता है कि देश develop हो। बस सेकेंड स्टेप में जो आपने टाइम टेबल बनाया था, जो प्लान बनाया था, उसे अपने देश के गोल के अकॉर्डिंग आप मैच करा दो और बस बन गई आपकी रिसोर्स प्लानिंग। सो रिसोर्स प्लानिंग हैज थ्री स्टेप। फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट ऑल रिसोर्सेज यू हैव। सेकेंड यू हैव टू मेक अ प्लान अकॉर्डिंग टू योर स्किल एंड टेक्नोलॉजी। थर्ड यू हैव टू मैच इट विद योर कंट्रीज डेवलपमेंटल प्लान, नेशनल गोल्स। This is it. और ये इंडिया बहुत पहले से करता हुआ है। पहला जो जब हम आजाद हुए थे और हमारी डेमोक्रेसी में पहली बार फर्स्ट फाइव ईयर प्लान बना था कि भाई हम पहले पांच सालों में 1947 से 52 तक हम क्या करेंगे, इंडिया को कैसे डेवलप करेंगे, तब से हमने रिसोर्स प्लानिंग करना स्टार्ट किया हुआ है। और इस रिसोर्स प्लानिंग से बहुत फायदा होता है। क्या क्या फायदा होता है मैं बता देती हूँ। देश का एक नहीं बल्कि खूब सारे रीजन्स डेवलप होते हैं, देश में रिसोर्सेज की कमी नहीं होती है, कंजर्वेशन हो जाता है, स्पेशली नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, ऐसे रिसोर्सेज का जो बार 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 आपको नहीं मिलेंगे, एक बार खत्म हो गए तो खत्म हो गए। जो बचे कुचे रिसोर्सेज होते हैं उन्हें कैसे यूज करना है वो आपको समझ में आ जाता है। रिसोर्सेज की बिल्कुल वेस्टेज नहीं होती है, आप अच्छे से सोच समझ के यूज कर पाते हो प्लानिंग करके, तो वेस्टेज नहीं होती है, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंस। नाउ इंडिया ने पहले फाइव ईयर प्लान से ही अपने रिसोर्सेज के लिए प्लान बनाने शुरू कर दिए थे और हमें ये बात समझ आ गई थी कि सिर्फ इंडिया में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर हम इसी बात पे घमंड करते रहेंगे कि हमारे देश में तो बहुत रिसोर्सेज हैं तो देश डेवलप नहीं हो पाएगा। हमें उन रिसोर्सेज के लिए प्रॉपर टेक्नोलॉजी भी चाहिए, प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस भी चाहिए। क्यों लगता है आपको हमारी सरकारें जो हैं, जो भी आई गई सरकारें हैं या करंट सरकारें हैं, वो क्यों इतना स्ट्रेस देती हैं नए नए रिसर्च सेंटर्स खोलने में, साइंटिस्ट को बढ़ावा देने में, साइंटिस्ट को ग्रांट्स देने में, फंड्स देने में? क्यों हमारे साइंटिफिक लेवल पे इतना पैसा खर्च किया जाता है? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे रिसोर्सेज अच्छे से अच्छी कंडीशन में हमें प्राप्त हो। सो वी नो दैट अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज नॉट जस्ट द ओनली थिंग यू नीड फॉर अ कंट्रीज डेवलपमेंट, यू ऑल्सो नीड इंस्टीट्यूशन एंड यू ऑल्सो नीड स्किल। सो यू नीड थ्री थिंग्स, अवेलेबिलिटी of resources, technology for it, and institutions for it. Institution मतलब research centers, factories, whatever, जहां पे भी आप वो technology का use करोगे। These three things you
नीड, और ये दो चीजें तो हमारे पास थी, हमारे पास अवेलेबिलिटी थी और इंस्टीट्यूशंस फिर भी थोड़े बहुत हुआ करते थे, लेकिन हमारे देश में ना टेक्नोलॉजी नहीं थी पुराने जमाने में, और इसी टेक्नोलॉजी की वजह से कोलोनाइजर्स ने इंडिया के रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट किया। आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे, आपके पेरेंट्स ने बताया होगा, आपके टीचर्स ने बताया होगा कि अंग्रेज भारत को लूट के चले गए। ये कोई गलत बात नहीं है, उन्होंने एक्चुअली हमारे रिसोर्सेस को बहुत डिप्लीट किया। उन्हें इंडिया पसंद ही इसलिए आया था, वो इंडिया में आए ही इसलिए थे क्योंकि हमारा देश रिसोर्सेज में बहुत रिच है। आपको पता है जितनी भी रेलवे बनती थी ना ब्रिटेन में, जो पुराने जमाने में रेलवे बनती थी ना, उसके लकड़ी के वो डब्बे होते थे और लकड़ी के ट्रैक्स होते थे। आज भी रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं कई जगह लकड़ी के देखने जाते हैं, वैसे तो अब आयरन के होने लग गए, बट एनीवे पुराने जमाने में लकड़ी के ट्रैक्स हुआ करते थे, यानी पटरियां हुआ करती थी। वो सारी लकड़ी वो इंडिया के जंगलों से काट के लेके जाते थे। आई एम जस्ट गिविंग यू अ टाइनी एग्जांपल, बट द पॉइंट इज कि हमारे रिसोर्सेज की वजह से हमारे कोलोनाइजर्स, कोलोनाइजर्स की मतलब का मतलब ब्रिटिशर्स, हाँ, इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुए थे, और उनके पास टेक्नोलॉजी थी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, चाहे वो टेलीफोन की टेक्नोलॉजी हो, टीवी की टेक्नोलॉजी हो, पोस्ट कार्ड की टेक्नोलॉजी, जो भी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी ब्रिटेन में अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी थी उस समय पे, और वो सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंडिया के रिसोर्सेज को खत्म करने पे तुल गए थे। और जब वो इंडिया को छोड़ के गए थे तब तक हमारे ऑलरेडी रिसोर्सेज बहुत खत्म हो गए थे। आपने ये बात भी सुनी होगी कि ब्रिटिशर्स नहीं होते तो हमारे पहाड़ों पे तो रेलवे बनी नहीं पाती, उन्होंने तो जाके इतना डेवलपमेंट किया, इंडिया में रेलवे बनाई, ऐसा किया वैसा किया। क्यों बनाया हमारे पहाड़ों पर रेलवे? क्यों बनाया? ताकि वो पहाड़ों के भी रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सके, है ना। जा जाके लाने में मेहनत लग रही थी, रेलवे बना दिया, एक साथ सारे रिसोर्सेज आ जाते थे, सारे जंगलों को काट के लकड़ी आ जाती थी, मिनरल्स आ जाते थे, सब कुछ आ जाता था, राइट। सो बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द कोलोनाइजिंग कंट्रीज लाइक ब्रिटेन, आर रिसोर्सेज वर एक्सप्लॉइटेड, और इसी की वजह से कॉलोनीज पे सुप्रीमेसी हासिल की गई थी। कॉलोनाइजर्स का मतलब होता है वो पावरफुल देश जो किसी और देश पे कब्जा जमाते हैं। तो इंडिया पे अगर कब्जा जमाया गया था तो इंडिया कहलाएगी कॉलोनी, और जिन्होंने कब्जा जमाया था वो देश कहलाएगा कॉलोनाइजर। तो ब्रिटेन वॉज द कॉलोनाइजर, इंडिया वॉज इट्स कॉलोनी, राइट। तो हमें ये बात ब्रिटिशर्स से हमने ये सीख लिया था कि टेक्नोलॉजी होना बहुत जरूरी है। तो हमने रिसोर्सेज, हमें समझ आ गया था कि रिसोर्सेज में टेक्नोलॉजी जब तक नहीं होगी तब तक उन रिसोर्सेज को हम काम पे नहीं लाएंगे। तो हम जैसे ही आजाद हुए हमने मेक श्योर किया कि हम अपने रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए उनकी अवेलेबिलिटी के साथ साथ टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा दें। इसलिए हमने अपने देश में बहुत सारे इंस्टीट्यूट आजादी के तुरंत बाद खोलना शुरू कर दिए थे। अपने ह्यूमन रिसोर्स पे बहुत इन्वेस्ट किया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, कॉलेजेस खोले, स्कूल खोले, आईटी कंपनीज को बढ़ावा दिया, सो दैट हम पीछे ना छूट जाएं। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस तो हमेशा से थी, थोड़ा बहुत लूट के ले गए तो भी थी, लेकिन उसको इस्तेमाल करने के लिए टेक्नोलॉजी को हमने बढ़ावा दिया। तो ये था आपका रैशनलाइज सिलेबस का लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 2 के साथ मैं बहुत जल्दी इसी चैनल पे मिलूंगी आपसे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आपको पता चलता रहे कि लेक्चर्स कब आएंगे। मैं आपको पूरा साल यहाँ पे स्टडी टिप्स, स्ट्रैटेजीज, टाइम टेबल, मोटिवेशन, SST के लेक्चर्स, बायोलॉजी के लेक्चर्स प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो अगर 10वीं में हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ, कॉमेंट में मुझे इसका आंसर दे देना प्लीज। होमवर्क क्वेश्चन इज, वेयर डिड अर्थ समिट हैपन? '92 की, 1992 की अर्थ समिट कहां हुई थी? लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना, दोस्तों के साथ प्लीज शेयर कर देना। बहुत मेहनत से मैं ये पीपीटीज बनाती हूँ, एंड अनलाइक अदर कंपनीज आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ मनी। आई डू दिस बिकॉज आई लव टीचिंग यू गाइज, सो इट विल मीन अ लॉट इफ यू विल शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो दैट मोर एंड मोर एंड मोर पीपल कैन वॉच इट। सो आई सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड टाटा।